आपके साथ भी हो सकता है। तुम नहीं आओगे? मैं कैसे? 6 साल की उम्र से जनान खाने में दाखिला बंद है। अकेले में शर्म आती है। तो मत आने दो, फिर वो महबूबा है ना, तुम्हारा ख्याल रखेगी। कब से एक देवरानी दूसरी का ख्याल रखने लगी? उनके साथ रहोगी समझ जाओगी। शायद वो मेरे साथ ना रहना चाहे। नखरे ना करो भाई। तुम कहाँ जाओगे? अपने भाई के पास। मैं घर ही पे रह जाती, अच्छा था। लैला साहिबा, आप अब भी उस घर की फर्द हैं। कब से? जब से वो रिंग पहनी है। चलो जाओ, मुझे भी काम है और वहां भी बहुत से काम हैं। कुछ तो मदद करूं। जो हो, खुदा हाफिज। अली जी। और तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी क्या, जब मिलना तो उन्होंने जो लाकर भेजा है उसके लिए शुक्रिया कहना, जरा चाट चूम लेना और 2-4 बार अम्मी जान कह देना। तुम शोर हो? मैं अपनी अम्मी को जानता हूँ। अगर वो किसी को पसंद नहीं करती तो इतनी आसानी से उसे कोई तोहफा नहीं देती, पहना के नहीं। ऐसे पहनो कि हमेशा निगाहों में रहे। चहो। शाबाश अच्छी बच्ची। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। 3 बार सलवात पढ़ो फिर अंदर जाना। क्या? अस्सलामु अलैकुम। फरमाइए। वालेकुम सलाम। महबूबा हैं? महबूबा साहिबा माफ कीजिए, आप? खुदा
खुश आमदेद। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बहुत अच्छा किया यहाँ के दुल्हन साहिबा। अम्मी जान है? नहीं, मोहम्मद के साथ खरीदारी के लिए गई हैं। महबूबा साहिबा जी वापिस आएंगी? परेशान ना हो, तुम तो अभी इस घर की बहू हो, उनके चहेते बेटे की बीवी। सारी औरतें सहन में है, चलो तारुफ करा दूं। ठीक है। बहनों, अस्सलाम। ये हमारी बहू है, लैला साहिबा है, अली की बीवी। अच्छा, हमारी मदद के लिए आई है, लेकिन हमारे लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए। हाँ, अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया। सुना है कि आपकी सास आपसे नाराज है? नहीं तो? सब ठीक हो जाएगा, फितरतन बुरी आदमी नहीं है, सिर्फ अपनी ही चलाती हैं, बस यही बुराई है। वो चाहती हैं सब महबूबा जैसे हों। नजर की थी मैंने? नहीं, अम्मी जान की नजर है। 30 बरस से वो मुहर्रम में नजर तकसीम करती हैं। चलाती रहो, लगने ना पाए। किस लिए? मोहम्मद 10 बरस के थे जब शदीद बीमार हुए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अम्मी जान ने नजर की और उनकी तबीयत फौरन ठीक हो गई। महबूबा साहिबा। हाँ। अम्मी जान मुझसे बहुत नफरत करती हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? अली उनका चहेता बेटा था, अम्मी जान उसकी शादी अपनी पसंद से करना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से अली का दिल ऐसी लड़की पर आया जो उनकी पसंद से किसी भी तरह मेल नहीं रखाती है। मेरा कसूर है क्या? नहीं, अम्मी जान को भी ये मालूम है। सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, जरा सबके लिए चाय ले आओ, पीते हैं फिर सोचते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अली ने मुझे भेजा। अली से कहा था कि तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम्हें बताया नहीं? क्यों नहीं? उसने मुझे नहीं समझ आती आप मुझे क्यों ना पसंद करती हैं। तुम में कोई बुराई नहीं है, बस इस घर के लायक नहीं हो। चली जाओ यहां से। लेकिन अम्मी जान, अली ने क्या समझ रखा है? निकल जाओ और फिर नजर ना आना। जब तक तुम्हारा नाम उसके शिनाख्ती कार्ड में दर्ज है, अली के लिए भी इस घर में जगह नहीं है। चले मुझे छोड़िए, मुझे खुद के लिए आपसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अली तो आपका बेटा है। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अली मेरा बेटा है। अली को याद दिलाओ वो दिन जब वो बगैर हमसे पूछे तुम्हारा हाथ पकड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले गया। उस वक्त मेरा बेटा था या नहीं? उसने तो आपको बुलाया था, आप ही नहीं आई। मैं क्यों आती? वहां जाकर खड़ी होकर ये कहती कि मेरे जिगर का टुकड़ा किस तरह कुएं में गिर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी तो उसकी शादी भी करवा दूंगी।
लेकिन हम एक दूसरे से खुश हैं। मैं किसी को अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। बेशरम लड़की, ये मेरा घर है, इस घर से बाहर निकलकर खुशी मनाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये जाने के अब अच्छा नहीं कर रही है। अल्लाह जानता है कि तुम कौन होती हो जो मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। तुम तो एक सड़क की। कह दे, आप तो मेरी पीठ पीछे तो कहती हैं, सामने भी कह दे कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं पता, माँ कौन है मेरी। जानती हूँ कि आपका मसला क्या है, जानती हूँ कि मैं एक यतीम खाने में पली बढ़ी हूँ। जानती हूँ कि आपकी ख्वाहिश ये थी कि अपने चहेते बेटे के लिए किसी मशहूर घराने की लड़की लेकर आती, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि अली किसके साथ खुश रह सकता है। सिर्फ ये सोचा कि ऐसी लड़की हो जिसको साथ लेकर आप शोखी बघा रहे। आपकी यही आदत है। आज तक जो मैं यहां नहीं आई तो इसकी वजह मेरी इज्जत नफ्स थी, लेकिन आज मैं यहाँ ये सोच कर आई हूँ कि आप इमाम हुसैन की नजर करती हैं। इमाम मजलूम के लिए ही सही आप अपने मेहमान को भगाएंगी नहीं। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इमाम की नजर में आने के लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी। आवाज नीचे कर अपनी, मेरे घर से निकल जा। सोचती है कि इमाम हुसैन बैठे और तुम्हारे जैसे उल्टे सीधे लोगों की बातें सुन रहे हैं। तुम सोचो कि तुमने क्या किया है जो मैं तुम्हें इमाम हुसैन की नजर से अपने घर से निकाल रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। ठीक है, चाहती हूँ, लेकिन जान ले अगर खुदा ने मुझे औलाद दी तो आप ना मेरे बच्चे की शक्ल देखेंगी ना ही मेरी। अली को मालूम है कि अब तक मैं ही उससे समझाती रही कि तुम्हारी अम्मी है, लेकिन आज के बाद से वो चाहे तो आए चाहे तो नहीं। मुझे धमकी दे रही है, यतीम खाने की पली हुई। देखना तुझे कैसे मैं इस लड़के से तलाक दिलवाती हूँ। अगर वो दूसरों की बातें इतने ही सुनता है तो ठीक है, तलाक भी दे दे। मेरा मोहम्मद बीमार था तो मैंने नजर की और से शिफा मिल गई। इस बार भी नजर की है कि तुझ जैसी लावारिस लड़की की मुसीबत से नजात हो। तो इमाम हुसैन को आप ही दया देती हैं? आप इमाम को इसलिए नहीं बुलाती कि वो आपके लिए जो अच्छा करें, बल्कि आप उन्हें इसलिए चाहती हैं कि वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। बेशरम लड़की, निकल जा यहाँ से, मेरी इज्जत से खेल रही है। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आखिरकार मुलाकात के लिए आ ही गए।
तुम्हें हक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे यही बहुत है। लेकिन तुम किससे मिलने आए हो, लैला से या फिर अपनी माँ की कातिल से? तुम्हारी गलती तो थी नहीं, मैंने तुम्हें जबरदस्ती भेजा था। क्या फर्क पड़ता है, जो नहीं होना था वो हो गया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। मैं कातिल हूं, मुझे फांसी होगी। मैं नहीं होने दूंगा, जैसे भी होगा मोहम्मद को तैयार कर लूंगा। तुम्हारा भाई जब तक मेरे गले में फांसी का फंदा ना देख ले माफ नहीं करेगा। बस करो, हमसे गलती हो गई अली, मैं तुम लोगों जैसी नहीं थी, कभी हो भी नहीं सकती। थक चुकी हूँ अली, थक चुकी हूँ, तोड़ती रही लेकिन मंजिल ना मिली। उस दिन से जब से मेरे माँ बाप जीने में जानती तक नहीं, यतीम खाने के दरवाजे पर मुझे छोड़कर चले गए, दौड़ रही हूँ मैं ताकि सबके सामने खुद को साबित कर सकूं, कह सकूं कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी हूं। अली मैं अच्छी हूं, मैं घर बार चला सकती हूँ, बच्चे पैदा कर सकती हूँ, उनकी तरबियत कर सकती हूँ, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ी। अली मैं अपने बेटे का नाम हुसैन रखना चाहती थी क्योंकि वो इमाम है, मैं इमाम हुसैन के टुकड़ों पर पली हूँ, जिंदगी के बेहतरीन खाने उन्हीं की नज़र के खाए हैं। ना मेरा कोई बाप है जो जमानत करे और ना ही मेरी कोई माँ है। मैं जिसके टुकड़ों पर पली हूँ उसी से कहा है इमाम या मुझे सहारा दे, या मैं यहां से निकल जाऊं या फिर मैं खुद अपने पैरों से चलकर फांसी पर चढ़ जाऊंगी। मैंने तलाक की दरख्वास्त कर दी है। इसलिए ताकि तुम आसानी से किसास की दरख्वास्त कर सको। که در خلق عالم است باز این چه نوه و چه عذاب و کدام این افق این ماه برآمد شب یلا به سر آمد من هستی سلام علیکم سلام مخلص
मिसेज महबूबा को नहीं देखा? क्यों नहीं? कहाँ है? किचन में। उनके पास मत जाना। क्यों? वो रो रही हैं। ये सही है कि आपकी बीवी ने खानम जान को कत्ल किया है? के नीचे से मिला है, वही केतली है। माफ करना, यकीन नहीं आता। लैला से मिले? मुझे मालूम है वो बेकसूर है। इत्तेफाक था। इसे हादसा नहीं कहते, इसे बदकिस्मती कहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। सब ऐसे मुझे देखते हैं जैसे मार डालो उसे, सुकून मिल जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरी बीवी जेल में है, मेरी माँ मनोमिट्टी के नीचे। समझ में नहीं आता किसका शोक मनाऊं। नैना कैसी है? परेशान, हैरान। तलाक की अर्जी दे दी है। किस लिए? ताकि मैं आराम से कसास की दरखास्त कर सकूं। मोहम्मद कहाँ है? खरीदारी के लिए गया है। कह रहा है कि मुहर्रम खत्म होने से पहले नजर अदा कर दे। दौरान उनसे बात नहीं हो सकी। मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे मैंने अम्मी को मार डाला हो। अभी कुछ दिन उसे अकेला छोड़ दो, दिल हल्का हो जाएगा, तब जाकर उससे बात करना। मैं लैला को रिहा कराना चाहता हूँ। थोड़ा रुक जाओ, अम्मी की मजलिस खत्म होने दो, फिर लाना। लैला का मेरे सिवा कोई नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारी अपनी बहन होती तो भी यही कहती कि मजलिस खत्म होने के बाद छुआओ? नहीं तो फिर मुझे भी न कहो। अली साहब, अगर मेरी बेटिया बहन ने मेरी माँ को मारा होता तो मैं उसे जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ देती। देगों को भी थोड़ा चेक करो। बाकी चीजें भी लिया।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद, मोहम्मद से छोड़ दो, मोहम्मद से छोड़ दो, मार डालूँगा, छोड़ दो तुझे, मारो मोहम्मद, मोहम्मद, छोड़ दो उसे, मुझे निकालो बाहर से, निकालो बाहर, छोड़ो, छोड़ मार दूँगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आखिर मैंने क्या किया है? क्या किया है? अदालत से फोन आया था, तुम्हारी हरकत बता दी, घर के कागजात जमा करके जमानत करवाओगे उसकी, हैं? हाँ, लेकिन माना नहीं उन्होंने। कमीने कातिल बेगैरत, छोड़ो मुझे। वाहियात, मोहम्मद लैला मेरी बीवी है। बंद करो अपना मुंह, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, छोड़ो मुझे। मेरे माँ के कातिल का नाम इस घर में ना लेना। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि लैला ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अली, अपने बाप की कसम, अगर एक लफ्ज भी कहा तो यहीं पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा। सुनो, अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो उसे तलाक देना होगा और उसके बाद कसास। जब मैं छोटी थी तो मुहर्रम में हमारे लिए कोई नजर आता था, कोई शख्स था नाबीना बूढ़ा, हमारे लिए फिरने लाता था, बड़े मजे की होती थी। सब बच्चे शौक से खाते थे, रंग बिरंगे प्यालों में वो हमारे लिए लाता। एक साल जब फिरने आई तो जायका तो वही था, लेकिन हम समझ गए कि उस आदमी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, क्योंकि इस बार बर्तन का रंग सफेद था। सदके जाऊं अली, कितनी परेशानी उठा रहे हो तुम। मैं तुम्हें बाहर निकाल कर लाऊंगा। अगर बाहर आना होगा तो आ जाऊंगी। मैंने किसी और से दरख्वास्त कर रखी है कि मेरी बेगुनाही साबित करें। अगर बेगुनाह हूं तो वो मुझे बाहर लाएंगे जरूर। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी अम्मी के लिए रोजाना एक पारा पढ़ता हूं। बहुत अच्छा करते हो। तुम भी पढ़ लिया करो कुरान फातिहा। तुम्हें कैसे मालूम कि नहीं पढ़ता? मेरे भी माँ थी वो। सुबह कब्र पे क्यों नहीं आए थे? जेल गया था। मैं अपनी बीवी को यूं ही तो नहीं छोड़ सकता। वो औरत नहीं है, वो एक नागिन है जिसे तुम आस्तीन में पाल रहे थे। अम्मी बेचारी को पहले ही से अंदाजा हो गया था, वो यूं ही इस रिश्ते की मुखालिफत नहीं कर रही थी। तुम भी तो रिश्ता लेकर मेरे साथ गए थे, तुमने अम्मी से जाकर बात की थी। मेरी गलती थी तो अब मुझे क्या खबर थी कि वही मेरी अम्मी की कातिल निकलेगी। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। हादसा? मुझ में और तुम में यही फर्क है, मेरे लिए अम्मी की मौत एक हादसा नहीं है। तुम खूब अच्छी तरह समझते हो कि लैला बेगुनाह है। नहीं, अस्पताल में अम्मी ने मुझे बताया था कि क्या हुआ, कह रही थी कि लैला की गलती थी। इस लड़की ने पहली बार जब इस घर में कदम रखा तो पहली बार अम्मी की नजर की मजलिस नहीं हुई, यह तुम्हारे लिए कोई इशारा नहीं है? ये क्यों नहीं कहते कि मजलिस इसलिए नहीं हुई क्योंकि अम्मी लैला को भगा रही थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। मैं भी उसे फांसी लगवा कर ही रहूंगा। भाईजान, अब्बा की रूह की कसम, खुदा के लिए छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
ज्यादा हंगामा मचाओ, मामूली जख्म है। देख रहे हो, अगर दिमाग पर चोट लग जाती तो तुम्हें फांसी हो जाती। लेकिन हम दोनों को मालूम है कि इस चोट से तुम मरने वाले नहीं हो। तो क्या ये साबित करने के लिए कि तुम गलती पर हो मुझे मरना होगा? जानते हो क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि मशीयत इलाही इस बात की इजाजत नहीं देती कि बंदा जो चाहे करे, सिवाय यह कि माजी में कोई ऐसी गलती की हो जिसकी वजह से वो इस गुनाह में गिरफ्तार हो जाए। यकीनन लैला अगर बेगुनाह होती तो खुदा उसे ऐसा नहीं करने देता, किसी तरह से उसे बचा लेता, न यह कि एक मामूली वजह से उसे कातिल बना देता। कभी कभी जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। तुमसे शादी करना, अम्मी को जो तकलीफ हुई, यकीनन उसकी किस्मत में यही था, वो तुम्हारे लिए नहीं थी अली। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर लैला अच्छी औरत होती तो खुदा कुछ ऐसा करता कि उस हादसे में अम्मी की जान न जाती है? हाँ, अगर इस तरह से सोचो तो समझ जाओगे कि मैं क्यों पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने सुना है कि हजरत मूसा एक मजलूम की मदद करना चाह रहे थे, उसी दौरान एक घूंसा मारा तो एक शख्स मर गया जिसकी वजह से वो मुझसे भागने पर मजबूर हुए। वो हजरत मूसा थे, तुम्हारी बीवी क्या है? कौन सा ऐसा कातिल होगा जो कत्ल के जवाब ना पेश करे? अगर लैला का दावा यह है कि इमाम हुसैन के टुकड़ों पर पली है तो खुद वो उसे आके बचा लेंगे, अगर मसलहत होगी तो। मौजजे की बात कर रहे हो? क्या बुराई है कि मौजाई दिखा दें? ये समझो कि मैं मुतमईन होना चाहता हूं। जो ईमान मौजजे की वजह से आता है वो मौजजा न होने की सूरत में खत्म भी हो जाता है। मुझे तो मौजजा चाहिए। जमाने जाहिलियत में भी रसूल खुदा से मौजजा तलब किया जाता था ताकि उन्हें झूठा साबित किया जा सके। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मुर्दा दिल को जिंदा करना मुर्दों को जिंदा करने से ज्यादा बड़ा मौजजा है। क्या तुम किसी काफिर से बात कर रहे हो? मुझे ये सब मालूम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे किसी की बेगुनाही ऐसे शख्स के सामने साबित करूं जो देखना ही नहीं चाहता। मैं अंधा हूं? मैं नहीं देखना चाहता। खुदा गुरूर से बचाए, लेकिन मैं वही मोहम्मद हूं जिसे इमाम ने शफा दी है। या इमाम हुसैन, मैं सबके सामने मजबूत रहना चाहती हूँ, लेकिन आपसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती। मैं टूट चुकी हूँ। कितनी खुश थी कि कोई एक है जिससे बात कर सकती हूँ, अपनी तन्हाई दूर कर सकती हूँ, अपने दिल की बातें कर सकती हूँ, लेकिन अब बहुत अकेली हो गई हूं। अगर आप मेरी शफाअत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा गवाह है, अगर आपसे बेहतर कोई होता तो मैं उसका दरवाजा खटखटाती। या मेरे मौला, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे रख दे रही हूँ, नमाज खत्म होने के बाद ले लेना। बहुत शुक्रिया। इमाम के करम के कुर्बान जाऊँ, आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मौला की नज़र चखने का बड़ा दिल चाह रहा था। जब मैं गली में मुड़ी तो मैंने एक आदमी को नज़र तकसीम करते हुए देखा, बेचारा अंधा भी था। मैंने पूछा कि क्या मैं किसी कनीज़े खुदा के लिए ले जा सकती हूँ? उसने कहा कि मैं लोगों में नज़र बांटने के लिए ही आ खड़ा हूँ।
अंदर या बाहर होना अहम नहीं है, अहम यह है कि इंसान को याद रखा जाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लें। शुक्रिया जनाब, खुदा कबूल करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। नहीं भाई, हम क्या जो दुआ करेंगे। क्यों, आप वही नहीं हैं जिन्हें बचपन में बीमारी में मौला ने शिफा दी थी? अगर खुदा कबूल करे तो हाँ। खुदा कबूल करे, आपने क्या किया है जो खुदा कबूल करे? आपकी तो सिर्फ बीमारी थी, किसी और ने शिफा दी। अगर आप पर लुत्फ़ो करम हुआ, अगर रहम हुआ, तो ये उसका करम है जिसने शिफा दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोहम्मद, उसे जाने दो। किसे? लैला को छोड़ दो, जाने दो। क्यों? वो बेकसूर है। मेरी रूह को न तड़पाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? ये कौन साहब है? बहुत अच्छा पढ़ता है ना। वालेकुम सलाम। क्या बात है? कल रात यहां महशर बपा था, लोग जमा हो गए थे, कह रहे थे मुआजजा हो गया है। देख भी अपने साथ उठा के ले जाना चाह रहे थे। मोहम्मद कहाँ है? उनकी हालत ठीक नहीं है, कमरे में बैठे हैं और दीवार को घूर रहे हैं। मुझे फोन किया लेकिन बात नहीं की। किसी से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? जरा तुम जाओ बात करो, शायद तुमसे बात करें।
अस्सलाम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। जख्म कैसा है? पट्टी उतार दी, कुछ नहीं हुआ था। अपने वकील को फोन करके कह दिया कि हमने अपनी मां का खून माफ किया, किसास की दरख्वास्त भी वापस ले ली। बड़ा अच्छा किया भाई, मेरे ऊपर एहसान किया, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैंने ख्वाब दिखा ली। कैसा ख्वाब? अम्मी का ख्वाब। Thank you.